Hello students, I am Amit, I am your GS teacher. You have met me in geography class and today I am going to teach you history. So this is our first lecture of history and we will not go through very deep topics, but I will give you an overview how we are going to proceed through the syllabus and what is the meaning of history. So let's begin. तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा गया है, विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास। और दूसरी क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें से एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में, और ऐसे मेडिवल हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं एसएससी एग्जाम में। और मतलब ये जो अपना स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इसमें 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके टाइमलाइन भी देखने जरूरी है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो है 2500 BC से 800 AD। ये बीसी और ईडी का मतलब भी मैं बताऊंगा, भी आप ये देख लीजिए क्या होता है, कहां से कहां तक है। तो ये सबसे ज्यादा पुरानी है, मतलब ये नहीं है फिक्स नहीं 2500, इससे पुरानी जितनी भी हिस्ट्री रहेगी वो सब एंशियंट में ही आती है। मेडिवल हिस्ट्री है 800 एडी से 1700 एडी तक, एडी को सी भी कहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री है 1700 एडी से 1947 एडी या अब प्रेजेंट तक, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री को कराने के कई तरीके होते हैं, पर मैं आपको कराऊंगा टाइमलाइन के हिसाब से, मतलब टाइम को देख के करेंगे हम। टाइम अगर टाइम हमारे हम टाइम को समझ गए ना तो हिस्ट्री सिर्फ टाइम ही है, जैसे ज्योग्राफी सिर्फ एटलस है ना, मैप है, उसी तरह हिस्ट्री बस टाइमलाइन है। तो मैं आपको जरा टाइमलाइन का आइडिया दे देता हूँ किस तरह से टाइमलाइन को समझना है, फिर हम अपने टॉपिक्स को शुरू करेंगे कि भाई हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कहां से क्या होने लग रहा है। अपना ये लगा लो 800 एडी से पहले तो इतने सारे राजवंश थे, नाम नाम याद करने में ही बहुत परेशानी हो जाए। तो अभी हम करेंगे, पहले जरा टाइमलाइन को समझ लेते हैं। तो टाइमलाइन देखो, अभी है आज तारीख है 12 फरवरी 2021, तो मतलब 2021 चल रहा है, तो हम यहां पर हैं प्रेजेंट में टाइमलाइन में, ठीक है। ये है 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी। तो ये नंबर लाइन की तरह समझे तो ये जीरो है, जीरो मतलब यहां पे हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, तो जीरो भी यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी जीसस क्राइस्ट का। तो इसी के हिसाब से एडी और बीसी को परिभाषित किया गया है, यहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ यहां जीरो पर हुआ था, जीरो। तो एडी का मतलब होता है अनो डोमिनी, तो यहां पर 1857 जब फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इससे पहले यह 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। फिर इधर आते हैं 1191 तराई का पहला युद्ध, और 1192 के साथ में ही लगभग, और उससे पहले 711 जब फर्स्ट एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स हुआ था इंडिया में, 711 इससे पहले अपने कंट्री में हिंदू रूलर्स थे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम जीसस क्राइस्ट से पहले वाले भी देख लेते हैं, जैसे कि ये 563 BC गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये देखो ये टाइमलाइन हम बटर लिए नेगेटिव नंबर्स में, तरह नाइन के ऊपर या साइन लगाते हैं हिस्ट्री में। 540 में महावीर जैन का जन्म हुआ था, जिसने जैन रिलीजन की स्थापना की थी, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म रिलीजन की स्थापना की थी। यहां है 326 जब सिकंदर इंडिया में आया था, और
यहाँ है 323 बीसी में, सारे बीसी जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में टाइफाइड के कारण। जैसे नंबर लाइन में हम और भी इंपोर्टेंट इवेंट्स देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया, दारिश प्रथम जो अखमेनिड एम्पायर का एक राजा था, उसने इंडिया के सिंध प्रांत पे और बलूचिस्तान प्रांत पे 518 बीसी में आक्रमण किया था। तो स्टूडेंट्स जरा इस बीसी और एडी की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे एडी और बीसी का मतलब क्या होता है। तो एडी तो होता है अनो डोमिनी, यानी कि जिस ईसा मसीह के बाद वाला आफ्टर जीसस क्राइस्ट, और बीसी या बीसीई, बीसी लिखा मिल जाए तो बिफोर क्राइस्ट आया और बीसी लिखा मिल जाए तो बिफोर क्राइस्ट। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन के अकॉर्डिंग करने से एक बेनिफिट और है, हमारे पास कंपल्सन नहीं रहेगी कि भाई हिस्ट्री हमें एक ऑर्डर में करनी है, हमें अपने जरूरत के हिसाब से और इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो टॉपिक जरूरी होगा ना उसको उठा लेंगे टाइम लाइन के हिसाब से। जैसे मान लो हमें पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू करना है तो 1526 से उठा लेंगे, और मैं आपको बता दूंगा यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और वो करने के बाद हम अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से फिर 1857 के रिवोल्ट से शुरू कर देंगे। ऐसा कंपल्सन नहीं है हमें ऑर्डर में चलना है, क्योंकि ऑर्डर में चलना हिस्ट्री में कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कई डायनेस्टीज ऐसी हैं जैसे कि ये दिल्ली सल्तनत, तो सैयद डायनेस्टी के 40 साल का पता ही नहीं उस टाइम क्या हुआ था, तो हम क्या ऑर्डर में चलेंगे हम क्या बताएं उसमें। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नंबर लाइन के को पैमाना मानकर उसके हिसाब से चलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो मेडिवल हिस्ट्री है ना, जो मैंने बताया था 800 AD से 1700 AD तक, तो हम मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं यहाँ से 711 AD से, जब पहली बार मुस्लिम एडवेंट ऑफ इंडिया हुआ था 711 AD। तो स्टूडेंट्स अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 711 AD से, यानी कि मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री की बिगनिंग। तो 711 AD में जो इंडिया में गवर्नर था उसका नाम था दाहिर, दाहिर वाज़ द हिंदू गवर्नर एट दैट टाइम। और मिडिल ईस्ट में जो इराक और मिडिल ईस्ट का जो रीजन है उसमें था हजाज, हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया पे फतह करने के लिए भेजा कि भाई जाकर इंडिया में हमारा राज स्थापित कर। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो उमेद जनरल था, उमेद डायनेस्टी का जनरल था, जिसने आने के बाद दाहिर को डिफीट करके सिंध और मुल्तान पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। सिंध और मुल्तान जरा मैप में भी देख लेते हैं किधर पड़ता है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंध तो ये जो गुजरात के यहाँ ऊपर का एरिया है सिंध ये, और मुल्तान जो वो सहवाग ने जहाँ 300 रन काफी रन बना दिए थे कौन से मैच में, वो मुल्तान कहते हैं सहवाग को मुल्तान का सुल्तान, तो मुल्तान इधर पड़ता है मुल्तान। तो सिंध और मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने आते ही फतेह कर दिया था दाहिर को हराने के बाद। तो मोहम्मद बिन कासिम ने हजाज का रूल स्थापित किया भारत में, और उसने क्या क्या और काम किए मोहम्मद बिन कासिम ने, ये देखते हैं जरा क्या क्या किया उसने। मोहम्मद बिन कासिम ने को ये पता था कि भाई अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो यहाँ की जनता को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, तो उसने ब्राह्मणों को ऊंचे पद दे दिए, हायर पोस्ट सुब ब्राह्मण। उसके अलावा उसने प्रथम बार हिंदुस्तान में जजिया लगाया, जजिया होता है सुरक्षा कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है, सुरक्षा कर टेकन फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमान को छोड़ के हर कुछ जजिया देगा। तो जजिया पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जजिया कब पहली बार लागू हुआ और किसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाया, तो एक बार जजिया को देख लेते हैं जजिया कब कब लगा और कब कब हटा। तो सबसे प्रथम बार जजिया हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जजिया ब्राह्मणों पे लगा दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे प्रथम बार। अकबर ने जजिया हटा दिया था आने के बाद, अकबर हुमायूं का काबला अकबर ने जजिया को हटा दिया था। औरंगजेब ने जजिया दोबारा लगा दिया था,
और जब क्रूर शासक था उसने दोबारा युद्ध कर लेना शुरू कर दिया। और जजिया जो लेटर मुगल्स थे ना वो वीक रूलर्स थे, जजिया को फाइनली एंडेड मोहम्मद शाह रंगीला जो लेटर मुगल्स का किंग था उसने जजिया को फाइनली खत्म कर दिया था। तो ये याद रखना है कि जजिया के बारे में ये सारी बातें कि जजिया कब पहली बार लगा, कब किसने ब्राह्मणों पे लगाया, किसने हटाया, किसने दोबारा लगाया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब कुछ बीच का टाइम पीरियड बाद में देखेंगे, अभी हम जंप करते हैं 1000 AD पर, यानी कि अपने मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, अब हम 1000 AD पर जंप करते हैं। 1000 AD पर अपने इंडिया में अपना बहुत ही फेमस आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी आया हुआ था। तो मोहम्मद गजनी के बारे में हम जानते हैं, ये तुर्क था, तुर्क डायनेस्टी ऑफ गजनी से था, जरा स्पेलिंग नोट कर लेना। और इसकी रेन थी 1998 AD से 1030 AD तक, मतलब इसके बीच में इसने शासन किया था। और ये आया था अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से, जहां पर इसने अपने खुद अपने ट्राइब्स राइवल ट्राइब्स के साथ भी संघर्ष किया था। और उनको उसके बाद गजनी के उनका प्रवेश हिंदुस्तान में हुआ, जहां पर 1000 AD में उसने जयपाल को, पंजाब में जयपाल को हरा दिया उसने, मोहम्मद गजनी ने। गजनी और को गजनी भी बोलते हैं। 1001 AD में जयपाल को उसने, 1001 AD में तो जयपाल के साथ उसने लड़ाई की और 1001 AD में उसने जयपाल को हरा दिया। इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद। वाई हिंद पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, सरहिंद हिंदुस्तान में पड़ता है, वाई पाकिस्तान में पड़ता है। 1008 AD में उसने गजनी ने नगरकोट पर अटैक किया, हमला किया, और नगरकोट जहां आज प्रेजेंट नगरकोट को कंगड़ा बोलते हैं। 1015 AD में उसने कश्मीर में संगमराज के साथ उसने लड़ाई की, उस पर अटैक कर दिया, पर संगमराज को लड़ाई में ज्यादा अनुभव था गजनी से, संगमराज ने गजनी को हरा दिया। तो गजनी को पता चल गया संगमराज को कश्मीर में नहीं हराया जा सकता, तो गजनी ने कभी मुड़ के कश्मीर की तरफ नहीं देखा, वो फिर साउथ इंडिया की तरफ जाने लग गया। 1019 AD में गजनी ने मथुरा पे को जीत लिया, पर 1025 AD में गजनी ने सोमनाथ को जीत लिया। सोमनाथ का जो मंदिर होता था उस टाइम पे काफी उसमें हीरे जवाहरात और धन संपत्ति रखी होती थी, तो उसने उसको लूट लिया। और 1027 AD में गजनी ने जाटों को हरा दिया हरियाणा में, हरियाणा पंजाब के एरिया में। तो ये गजनी के अभियान रहे हैं, जहां पे वो सभी अभियान में सफल रहा है, बस एक कश्मीर को छोड़ के। तो स्टूडेंट्स गजनी के बारे में हमने एक पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया है। 1008 AD में गजनी ने आनंदपाल को हराया, जो कि हिंदू शाही रूलर ऑफ पंजाब था, पंजाब का हिंदुस्तान शाही रूलर था, जिसको हम सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद या वाई हिंद की दूसरी लड़ाई भी बोलते हैं 1008 AD में। तो ये टाइम लाइन आप याद रखना, ये गजनी के टाइम में लड़े गए और चलाए गए मुख्य अभियान है, ये इसको जरा नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि गजनी के टाइम में कौन सा इंपोर्टेंट स्कॉलर रहा था। तो 1024 में अल बेरूनी जो गजनी के टाइम में इम्पोर्टेंट स्कॉलर था, उसने उसके दरबार में स्कॉलर था, उसने 1024 में दो किताबें लिखी, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, ये उसने दो किताबें लिखी हैं। और इसी से ही हमें गजनी के समय का विवरण मिलता है इन किताबों से। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने गजनी के बारे में जाना, तो गजनी का ही के कुछ साल के अंदर ही अपना अगला आक्रमणकारी हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुका था, और उसने हिंदुस्तान में सागा वॉर छेड़ दिया, उसने हिंदुस्तान में लूटमार मचा दी। तो उसका नाम था गोरी। उसको 1190 से 1200 ईस्वी का जो समय है, 1190 से 1200 AD का समय, उसको हम बोलते हैं सागा वॉर, मतलब इस टाइम में बहुत ज्यादा युद्ध हुए थे। मोहम्मद गोरी को हम का दूसरा नाम से जाना जाता है मुआजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो जिसका रेन रही थी, जिसका
शासन का समय काल था 1173 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक, और जो कि गुरिद वंश का सुल्तान था, सुल्तान ऑफ गुरिद एम्पायर। इसके शासन का समय काल शुरू होता 1173 से और 1175 में इसने हिंदुस्तान में प्रवेश कर दिया था। और सबसे पहले उसने सिंधु को फतेह किया, सिंधु जो अभी मैंने मैप में बताया था कुछ देर पहले, गुजरात से ऊपर वाला सिंध जहाँ पर ये अपनी सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है, उसने सिंध को फतेह कर दिया। 1178 में उसने गुजरात पे अटैक किया, ये गौरी और गजनी जितने भी आते हैं गुजरात में सिर्फ जाते हैं सोमनाथ मंदिर पे हमला करने के लिए, उनको पता सोमनाथ मंदिर या गुजरात मौर्य मंदिर है कि वहां पर जाकर इनको धन मिलेगा और धन से धन के लिए ही ये हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं विदेशी आक्रमणकारी। तो गुजरात में प्रवेश किया, पर एक बात देखो, गुजरात में प्रवेश करने के बाद गुजरात का उस समय शासक था मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय जिसका दूसरा नाम है मूलराज सोलंकी। मूलराज सोलंकी की माता का नाम था नायकी देवी। मूलराज सोलंकी उस समय शासक था और भीम सेन सोलंकी उसका भाई था, ये दोनों भाई थे और ये नायकी देवी इनकी माता थी। मूलराज द्वितीय को गौरी ने हरा दिया और उसका उसको जान से मार दिया, लेकिन तभी भीमसेन द्वितीय भीमसेन सोलंकी ने राजगद्दी संभाली और अपने माताजी नायकी देवी के नेतृत्व में उसने गौरी को हरा दिया और गुजरात को लूटपाट से बचा दिया। जिस तरह से मोहम्मद गजनी कश्मीर में सफल नहीं हो पाया था, उसी तरह से गौरी गुजरात में सफल नहीं हो पाया और वह गुजरात से वापस लौट गया और फिर कभी मुड़कर गुजरात की तरफ नहीं देखा। तो ये थे गौरी के प्रारंभिक दो अभियान हिंदुस्तान में। तो अभी गौरी का नाम आते ही पृथ्वीराज चौहान का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे के साथ संघर्ष किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, तब फिर उसके बाद हम उनके अभियानों को देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का राजा था, 1167 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था और उसका कार्यकाल 1178 से 1192 ईस्वी में तक चला था। याद रखने का तरीका यह है कि 1192 में तरह की दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान हिंदू शासक था और जिसने राजस्थान हरियाणा दिल्ली में पर राज किया था, कुछ और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश पंजाब और उत्तर प्रदेश के हिस्से पर भी उसने राज किया था। और चौहान वंश की राजधानी थी अजमेर में, अजमेर जो राजस्थान में जहाँ अजमेर शरीफ पड़ता है, अजमेर शरीफ की दरगाह। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने जाना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में, तो अभी हम देखते हैं कि इनका आपस में क्या संघर्ष था, क्या विवाद था और उन्होंने इस विवाद ने हमारे इतिहास पे क्या असर डाला। तो हमने आपने कभी बहुत बार अपने कहते सुना होगा भाई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 17 युद्ध हुए थे, फिर 17 बार पृथ्वीराज चौहान जीत गया, 18वीं बार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और उसकी आंखें निकलवा दी। इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें कुछ कुछ सच है। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा जरूर था पर 17 युद्ध नहीं हुए थे, युद्ध बस 2 ही हुए थे, तराई की पहली लड़ाई और तराई की दूसरी लड़ाई, ये बस 2 युद्ध हुए थे, 17 युद्ध नहीं हुए थे, ये गलत बताया जाता है। तो हम देखते हैं तराई की पहली लड़ाई जो हुई थी 1191 ईस्वी में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। पृथ्वीराज चौहान जिसको पियाची तृतीय भी कहा जाता है, इससे पहले 2 पृथ्वीराज चौहान और भी हुए हैं, उन्हें कन्फ्यूज मत हो जाना, और मोहम्मद गौरी के बीच में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपना उदारता दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया और उसे अपने दोबारा प्रवेश न करने की शर्त पर जाने दिया। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की आपस में बैर के कारण उसका फायदा दूसरे उठा लेते हैं। यही हुआ, पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी संयोगिता जो कि जयचंद की बेटी थी, जयचंद की डॉटर थी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में विवाह करना चाहते थे जिसका विरोध में जयचंद था। तो जयचंद ने
समयोगिता को फिर थोड़ा चौहान विवाह मंडप से उठा ले गया था, और जिसका पता मिल गया जयचंद ने गोरी का साथ दिया, गोरी की मदद ली, और इसी का हमें दोबारा प्रवेश करने का मौका मिला जयचंद के कारण। इसलिए कभी भी गद्दार की संज्ञा दी जाती है ना, तो जयचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा गद्दार था। इसी के कारण भारत में मुस्लिम शासकों की नींव रखी गई थी जयचंद के कारण। इसने गोरी को दोबारा भारत में प्रवेश करवाया, और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गोरी की मदद की जयचंद ने। तराई की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो अभी हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत अजीज मित्र चंद्र बरदाई, जिसको चंद भी कहा, पृथ्वीराज चौहान अपने आपसी भाईचारे में चंद भी कहता था, उसने एक किताब लिखी है पृथ्वीराज राष्ट्र, जिसमें इन सारी घटनाओं का विवरण दिया गया है। पृथ्वीराज राष्ट्र, तो पृथ्वीराज राष्ट्र में बताया गया है कि किस तरह से ये पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तराई की दूसरी लड़ाई में अपनी हार का बदला गोरी से लिया था। ये सिर्फ किताब में लिखा गया है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो पृथ्वीराज चौहान जानते हो राजस्थान में योद्धाओं की भूमि रही है, और पृथ्वीराज चौहान भी ऐसा योद्धा था जो कि शब्द भेद बाण चलाना जानता था, यानी कि वो सिर्फ आवाज ध्वनि की ध्वनि को सुनकर अपना निशाना लगा सकता था। तो चंद्रप्रदाय ने गोरे की कैद में था, तो चंद्रप्रदाय भेष बदल कर उससे मिलने गया और उसको प्रोत्साहित किया। वो शब्द कुछ इस तरह से हैं, चार बांस 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है मत चूक है चौहान। यानी कि ये आखिरी मौका था जब चौहान गोरी से बदला ले सकता था, और चौहान ने वैसा ही किया, उसने एक बाण में ही गोरी को अपने शब्द भेद बाण के हुनर से एक बाण में गोरी को मार दिया, और बाद में उसने खुदकुशी भी कर लिया, ऐसा किताब में कहा गया है। तो ये परिस्थिति कोई पुष्टि नहीं हो पाई, पर खैर जो भी है, सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गोरी की जीत हुई, और यहां से ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हिंदुस्तान में हो गई। यानी कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था, जब पहली बार हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, और उसका सारा श्रेय इसको जाता है जयचंद को। अगर जयचंद अगर गोरी की मदद नहीं करता तो पृथ्वीराज से दूसरी तरह की लड़ाई में गोरी से नहीं हारता, और हो सकता है इसको मार भी देता। तो स्टूडेंट सर्वे में हमने देखा 1192 ईस्वी में तराई की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। तो उसी के 2 साल बाद ही 1194 में चंदेवर का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गोरी की जीत हुई दोबारा। तो आपने देखा गोरी ने सिर्फ पहली बार परास्त का सामना किया, अगली दोनों बार गोरी जीत गया, और इसी के कारण हिंदुस्तान में मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। फिर 1206 में 15 मार्च 1206 में खोखर जाटों ने गोरी को मार की हत्या कर दी, और गोरी का जो समाधि है वो तमियट सिंध में है, याद रखना 15 मार्च 1206 खोखर जाटों ने गोरी को की हत्या कर दी, और उसकी समाधि दमयक सिंध में पाकिस्तान में बनाई गई है। एक गुलाम ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और कुछ समय तक गद्दी पे रहा था, पर इस सब के बारे में हम अगली क्लासेज में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अभी हम अगली क्लासेज में क्या करने वाले हैं। तो हम अभी शुरू करने वाले हैं अगली क्लास में, फिलहाल हम सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं, हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुल 22 राजा हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, जितना जरूरी होगा उतना ही, सारा नहीं। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे हैं, गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद और लोदी। इसको याद करने का तरीका है गुल खिले तो सलाम, गुल खिले गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी।
इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये इनका ये कहां से थे और इनके इनके ये कहां से बिलोंग करते थे। तो जो गुलाम वंश था वे तुर्क थे और खिलजी वंश तुर्क अफगान। तुर्क अफगान का मतलब है अगर पिता तुर्क हो और माँ अफगान हो तो उनकी शादी होने के बाद जो बेटा होगा वो उसको तुर्क अफगान कहेंगे। इसी तरह से तुगलक जो थे वो तुर्को इंडियन थे, तुर्क और इंडियन। और सैयद जो थे वो तुर्क और लोधी थे अफगान, अफगानिस्तान से अफगान। तो इनका समय भी, इन्हें कब से कब तक हिंदुस्तान में राज किया ये भी जरूरी है, ये भी देख लेते हैं। मैं ये भी बताऊंगा और इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो जो गुलाम वंश था उन्होंने राज किया था, देखो आप सबसे पहले तो ये देखो 1206 में गौरी का निधन हुआ और ये जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश की अंत हुआ था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। तो हमें गौरी से लेकर 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था वो 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में। तो हमें सिर्फ जानना है 1206 गौरी के निधन से लेके 1526 इब्राहिम लोधी के बाबर की जीत तक, तो इसके बीच में ही दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा है। तो अब हम जरा ये और देख लेते हैं कब से कब तक रहा है इनका एक एक करके। 1206 में गौरी का निधन था, 1526 ये दो डेट तो याद हो गई होंगी। तो अब देख लो 1206 से 1290 तक, आप ये एक ये नंबर याद रख लेना, ये एक नंबर याद रखोगे तो अपने आप सब कार्यकाल याद हो जाएगा। 84-30-94-36-76 1206 में 84 जोड़ोगे तो 1290 आ जाएगा। 1290 में फिर 30 जोड़ो 1320, 1320 में 94 जोड़ोगे 1414, 1414 में 36 जोड़ोगे 1450 और 1450 में 76 जोड़ोगे तो 1526। तो जैसे ये नंबर याद रहेगा आपको सारा इनका कार्यकाल याद हो जाएगा। तो एक बार जरा देख भी लेते हैं 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी, 1320 से 1414 तक तुगलक, 1414 से फिर 36 जोड़ते हैं 1450 तक सैयद और 1450 से लेकर 1526 तक लोधी। तो ये एक नंबर याद रख लेना है जिससे हमें पूरे दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल याद रह जाए और ये याद होने के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी, होने लग जाएंगी अपने आप, क्योंकि हिस्ट्री और कुछ नहीं बस टाइम लाइन है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं और आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे दिल्ली सल्तनत को, जिसका पहला राजा गुलाम वंश का पहला राजा है अल्तुतमिश, उससे शुरू करेंगे और रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह वगैरह कई तरह के राजा हैं, कुल 22 राजा आते हैं इसमें, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू आज के लिए।